नमस्कार दोस्तों, मैं महक सरभल्ली आप सभी का हमारे इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको UGC, NET, JRF, CTET, PTET, KVS, NVS, BEd, MEd इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और इसकी डेली की अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें करेंगे UGC, NET, CTET, PTET, JRF की हिंदी पेपर 2 की तैयारी। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 की भी क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे इस चैनल पे पेपर 1 की भी फुल फ्लेज तैयारी करवाई जा रही है। उसकी अपडेट्स पाने के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा जो है राष्ट्र की भाषा है। ठीक है, तो आज हम इसमें जो संबंधित पहला टॉपिक करने वाले हैं वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी भाषा उसका उद्भव और विकास। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हिंदी भाषा क्या है। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का स्वरूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा तय की है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाषा का एक इतिहास होता है, तो हिंदी का भी अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, संसार की प्रत्येक भाषा का एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है और हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंदी का, अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबियों ने किया था। अब पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि जब जो ईरानी लोग थे ना, उन्होंने महाभारत के काल से ही, कौरवों और पांडवों के काल से ही इसे हिंद कहना शुरू कर दिया था। इसलिए ये स्पष्ट है कि वहाँ के पे रहने वाले जो निवासी हुए वो हिंदुस्तानी हुए और वो जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो भाषा हुई, क्या कहलाई, वो भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है, तो अब यही हम कर रहे हैं कि उत्पत्ति और इसका क्रमिक विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका क्रमिक विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो इसकी उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। फिर संस्कृत भाषा से विकसित होकर इसने पाली रूप में आई, फिर पाली से प्राकृत रूप में, प्राकृत से अभ्रंश और अभ्रंश से हिंदी, आगे हिंदी के इसके विविध रूप जो हैं वो पाए जाते हैं। अब जो संस्कृत है उसमें वैदिक और लौकिक, ये दो संस्कृत आती हैं। वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, पुराण की। अगर हम बात करें पाली, तो ये बुद्ध से प्रभावित था, तो इसलिए इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं। पाली भाषा आगे चल के विस्तृत रूप धारण करके प्राकृत में परिवर्तित हुई। प्राकृत में जन सामान्य की भाषा इसको कहा जाता है और इसमें जन सामान्य की भाषा प्रयोग हुई। अब प्राकृत के बाद आई इसका विस्तृत रूप अपभ्रंश। अपभ्रंश में लोक भाषा कहलाई, इसमें लोक भाषा है। ठीक है, अब इसी के अपभ्रंश का ही जो विस्तृत रूप है, जो सुधरा हुआ रूप है, वो आगे चल के क्या बना, हिंदी। ठीक है, हिंदी के विविध रूप इसमें आगे चल के आए। ठीक है, इसी का हम आगे इसको एक प्रॉपर वे से देखते हैं, इसका एक चार्ट जिसमें है भारतीय भाषा आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक का। ठीक है, हम पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती हैं। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए हैं चारों, और लौकिक संस्कृत में महापुराण, महाभारत, रामायण ये सब लिखे गए हैं। ठीक है, अगर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो ये 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का है। इसमें 3 भाषाएं मुख्यतः प्रचलित हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली जो है इसमें त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, और इसमें इसको जो है प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है।
दूसरी जो द्वितीय प्राकृत भाषा है वो प्राकृत को कहा जाता है। इसको आगे पांच भागों में विभाजित किया गया है, शारसेनी, पशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। और तीसरे नंबर पे आती है अपभ्रंश, इसमें सिंधी, पहाड़ी, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और भी कई सारी हैं जिनको हम आगे चल के इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा काल है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, वो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये जो काल है इसमें अपभ्रंश ही जो है ना उस अपभ्रंश का ही ये विकसित रूप है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा हिंदी। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। ठीक है, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु सिंध से हुई है। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह से किया जाता है, इसलिए सिंधी हिंदी। ठीक है, इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा, इसी हिंदी हिंद से हिंदी शब्द बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद संहिता, उपनिषदों, वेदांत का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। संस्कृत भाषा में ही रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास जी, कालिदास जी, अश्वघोष, महाभवभूति, विशाखा मम्मट, दंडी तथा श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में से एक है। वही फ्रेंड जो भी हमने पीछे किया है ना हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इसका क्रमिक विकास, ये हम वही उसको आगे विस्तार से कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, तो ये अभी हमने सारा संस्कृत का देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं संस्कृत के बाद जो है ये किस रूप में पाली में आई। अब संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईस्वी के बाद तक काफ़ी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। ठीक, महात्मा बुद्ध के समय इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, तो क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से प्रभावित, महात्मा बुद्ध जो है इसी काल के हैं। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी। ठीक है, और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार और प्रसार किया। संभवतः ये भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और भी परिवर्तित हो गई और इसे प्रकृत की संज्ञा दी गई। ठीक है, पहले संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई, फिर इसका परिवर्तित रूप होकर पाली में आया, फिर पाली का प्रकृतित रूप होकर प्राकृत की इसको संज्ञा दी गई। इसका काल पहले ईस्वी से 500 तक है। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमोत्तर तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। ठीक है, जिन्हें मागधी, शारसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राचर तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलकर ये प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, वही बात चल रही है, वही क्रमिक विकास चल रहा है, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अब अपभ्रंश। इनका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूपों में मिलती है, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ और आधुनिक आर्य भाषाओं में जिनमें हिंदी भी है का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य का 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जाता है। ठीक है, वो हम देखते हैं उनका क्षेत्रीय रूप, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाओं तथा उपभाषाएं। ठीक है, अब पैशाची जो है वो लहंदा और पंजाबी
ब्राचड़ की सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, शायरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है फ्रेंड्स, अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, खड़ी बोली ही आगे चलकर राजभाषा हिंदी के रूप में विकसित हुई। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, अब आगे आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएँ हैं उनका भी वर्गीकरण किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। ठीक है, उन्होंने तीन प्रकार से किया है, बाह्य उपशाखा, मध्य उपशाखा, अंत्य उपशाखा। बाह्य उपशाखा में उन्होंने तीन भागों में बांटा, उत्तरी पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह। उत्तरी पश्चिमी समूह में लहंदा सिंधी, दक्षिण समूह में मराठी, पूर्वी समूह में उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला आते हैं। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समूह, पूर्वी हिंदी, और जो अंत उपशाखा है उसमें आते हैं हमारे केंद्रीय समूह और पहाड़ी समूह। केंद्रीय समूह में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी और पहाड़ी समूह में नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, अब ग्रियर्सन ने तो इनको तीन भागों में बांटा था, डॉक्टर हानले ने इनको चार भागों में विभाजित किया है, पूर्वी गार्डियन, पश्चिमी गार्डियन, उत्तरी गार्डियन और दक्षिणी गार्डियन। जो पूर्वी गार्डियन है उसमें उन्होंने पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया को लिया है। पश्चिमी गार्डियन में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को लिया है। उत्तरी गार्डियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, दक्षिणी गार्डियन में उन्होंने मराठी को लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं। अब अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप और उनकी जो आधुनिक भाषाएं हैं वो ऐसे हैं। अपभ्रंश में है शायरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैशाची। और आधुनिक भाषाएं उनमें आती हैं शायरसेनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, और मागधी में बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में मराठी और ब्राचड़ पैशाची में लहंदा, पंजाबी और सिंधी। तो स्पष्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे, शायरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आदि सम्मिलित हैं। क्योंकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया है, हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास। ठीक है, उसमें हमने उसकी उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास देखा है। संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है, फिर पाली, फिर प्राकृत का रूप विस्तृत हुआ, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो यही हमने सारे इसमें किए। ठीक है, प्राचीन काल किया है, मध्यकाल किया है, आधुनिक काल किया है। अब आगे हम जाके इसकी जो भाषाएं का आगे विस्तृत रूप है, उनका भाषाओं का विकास है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी इसमें डाउट होए तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, और इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो। ठीक है, इसी से आपके बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम इस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल बटन दबाइए ताकि आपको इसकी डेली की अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।